नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानसी गुलाटी। आज मैं आपको 5 सेहतमंद टिप्स दूंगी जिसको करने से आप रहेंगे हमेशा जवान, खूबसूरत और स्वस्थ। बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते हैं जुग जुग जियो, लंबी उम्र लो। लंबी उम्र के साथ में सेहतमंद रहना बहुत ही ज़रूरी है। फिजिकल से ज़्यादा मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिए। कहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग माइंड कैन कैरी अ वीक बॉडी। बिल्कुल, अगर आपका माइंड स्वस्थ है, स्ट्रॉन्ग है, वीक बॉडी भी हम कैरी कर सकते हैं। दूसरी टिप, सात्विक भोजन का आहार करिए। यू आर वॉट यू ईट। सात्विक भोजन के आहार से हम लोग और एनर्जेटिक रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। तामसिक खाने से हम लथार्जिक हो जाते, लेजी हो जाते हैं, तो सात्विक भोजन का ही आहार करें। तीसरी टिप जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, सुबह जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठने से हम लोग पॉजिटिव रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, तो सुबह जल्दी उठिए। चौथी टिप जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसका परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है, सोने का, उठने का और खाने का टाइम मैनेज ज़रूर करिए। तो सही समय पे खाइए, सही समय पे उठिए, सही समय पे ही सोइए। और पांचवी टिप जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, योग करिए। योग करेंगे हम लोग स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। तो ये टिप्स बहुत ज़रूरी है। साथ में मैं आपको 10 मिनट का योगासन का अभ्यास कराऊंगी, जिसको करेंगे और रहेंगे हम हमेशा स्वस्थ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ओम का उच्चारण करेंगे। जॉइन योर हैंड, आंखों को बंद कर लीजिए, गहरी सांस लेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे। Up your palm, keep it on your eyes, head down, light massage and release. So Om is a beautiful mantra. हमें तीन शब्दों को जोड़ना है, आ ऊ मा। आ should be 50%, ऊ 30%, rest 20% मा। Happiness, joy, love, सब हमारी जिंदगी में आता है ओम के उच्चारण के साथ में। शुरू करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे माइंडफुलनेस पोज। सो गाइस, कीप योर हैंड ऑन योर फोरहेड, अप्लाई लाइट प्रेशर, आंखों को बंद कर लीजिए, मन को शांत रखिए। ये आपके नर्व्स को स्टिमुलेट करता है। स्वाइप इट जेंटली, आईज क्लोज विद इंडेक्स फिंगर, जेंटली रोटेट योर आई बॉल, रिवर्स एंड रिलीज। मन पूरी तरह शांत हो जाता है माइंडफुलनेस पोज के साथ में। अब मैं आपको बहुत सिंपल सी क्रिया बताऊंगी, जिसको आपको रोज करना है खाना खाने के 10 मिनट के पहले। जिन लोगों का भी एक्यूमुलेटेड फैट होता है, चर्बी होता है, वो पूरी तरह आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, पूरी तरह उतर जाएगी आपकी चर्बी एंड वेरी गुड फॉर वेट लॉस टू। लेट्स डू इट गाइस। इंटरलॉक योर हैंड क्लोज टू अवर नेवल, नेवल के बिल्कुल पास, गहरी सांसें लीजिए। Keep your forehead down, forceful exhale, head down, come up, interlock your hand, stress and release. So it's like one of the easy asan जो मैं रोज follow करती हूँ। बहुत ही simple asan है, खाना खाने के 10 मिनट के पहले करिए और एम्प्टी स्टमक 3 बार करिए। इसके जो भी रिजल्ट मिलते हैं, आप लोग मुझसे अपने विचार ज़रूर शेयर करें। चलिए एक और आसन मैं आपको बताती हूँ जो बहुत सिंपल है। इस तरह से अपने हाथ को घुटनों पे रखेंगे और अपनी बॉडी को पूरी तरह रोटेट
करेंगे। बॉडी को रोटेट करिए, रिवर्स, इस तरह से 10-10 काउंट करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपकी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स क्लियर हो जाएंगे। लास्ट करेंगे, सिंपली अपने हाथ को चेस्ट पे रख लीजिए, ई का उच्चारण करेंगे, गहरी सांस लीजिए, सेकेंड बी हियर ओनली गाइस, वेरी जेंटली रब योर पाम, कीप इट ऑन योर फोरहेड फर्स्ट, साइड ऑफ योर फेस, ओपन योर पाम, ओपन योर आईज विद अ ब्यूटिफुल स्माइल। मैं आशा करती हूँ आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा, अच्छी लगी होगी आपको मेरी हेल्दी टिप्स, इसको ज़रूर फॉलो करिए, हमेशा स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए, मैं आपको फिर मिलूँगी, धन्यवाद।